लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखा सर, हमारे आधे 9 बज गए जी। भोसले, कोई चोरी? कुछ नहीं। कोई पॉकेट मारी? कोई डाका? कुछ नहीं। कोई खून? कोई बलात्कार? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं क्या? लगता है बम्बई काफी सुधर गया है। लेकिन फिर इस इंस्पेक्टर आंगरे का क्या होगा, जिसको मुजरिमों को पकड़ने में बड़ा मजा आता है, बहुत आनंद मिलता है। हा? क्या होगा उसका? देखा, टेबल के पास आते ही लाल फोन की घंटी बजना शुरू हो गया। हेलो इंस्पेक्टर आंगरे हियर। क्या, ट्रक और फियाट का एक्सीडेंट? देखो भोसले, एंट्री करते ही बम्बई खराब, काम शुरू। बोलो क्या बात है? ओनर बहुत घायल है, कहाँ भेजा है? बॉम्बे हॉस्पिटल। हेलो, मैं कहाँ हूँ? प्लीज प्लीज प्लीज, आपके सर में चोट आई, आप लेटे प्लीज। चोट? मुझे चोट कैसे लगी? आपका एक्सीडेंट हो गया था। मेरा एक्सीडेंट हो गया था? जी हाँ, आपकी कार एक ट्रक से जाकर टकराई थी। मेरी कार? जी हाँ, वो आप ही की कार हो सकती है, क्योंकि आपके कपड़ों को देखकर कोई ये तो कह नहीं सकता कि आप ड्राइवर है। कपड़े? ठीक है जी सी, काफी चोट है। मैं इस वक्त कहाँ हूँ? यू आर इन बॉम्बे हॉस्पिटल। मैं आपका डॉक्टर हूँ, डॉक्टर हैरी थॉमस। डॉक्टर हैरी थॉमस? यस। मैं कौन हूँ डॉक्टर? डॉक्टर तुम ही बताओ डॉक्टर, मैं कौन हूँ डॉक्टर? डॉक्टर क्या है मेरा नाम डॉक्टर? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा डॉक्टर, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा डॉक्टर, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा डॉक्टर, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ओह माय गॉडनेस, क्या हुआ डॉक्टर? उसे होश तो आ गया था, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन हमने इंजेक्शन लगाकर फिर से उसे बेहोश कर दिया। क्यों?
आपको मालूम नहीं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ? आपको समझना चाहिए कि उसका बयान हमारे लिए कितना जरूरी है। लेकिन अब वो आपके किसी काम का नहीं रहा। मतलब? अपनी याददाश्त खो बैठा है। याददाश्त खो चुका है? अब आप खुद ही सोचिए कि एक्सीडेंट के बारे में वो आपको क्या बता सकता है। 3 घंटे के बाद जब उसे होश आएगा तो उसका पहला सवाल होगा कि मेरा नाम क्या है। इसलिए आप इन 3 घंटों में जाके पता लगाइए कि वो कौन है। हेलो इंस्पेक्टर अंग्रे, शिंदे बोल रहा हूँ सर। हाँ इंस्पेक्टर शिंदे, क्या बात है? उससे ट्रक एक्सीडेंट के बारे में कुछ मालूम हुआ? वो अपने किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि उसकी याददाश्त खो चुकी है। उस ट्रक ने एक लड़की को कुचल दिया है सर। My God! ट्रक ड्राइवर का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। नहीं मिल रहा है तो फिर उसके ट्रक के मालिक को अरेस्ट कर लो। मालिक का नाम भी पता नहीं है सर। क्यों? उसके ट्रक में रजिस्ट्रेशन पेपर तो होंगे ना? पेपर्स गायब है, नंबर प्लेट नकली है। कुछ पता चलते ही आपको खबर दूंगा सर। हाँ जरूर करना, जरूर करना। ओके सी यू। हाँ क्या हुआ भोसले, आरटीओ से पता चला कुछ? जी हाँ, वो कार अंधेरी के एक मेडिकल स्टोर के मालिक मिस्टर घनश्याम गुप्ता की है और कल रात वो कार होटल ब्लू हेवन की पार्किंग से चोरी हुई है। हेलो मिस्टर। बोल नहीं सकते? आप वही इंस्पेक्टर है ना जो मेरे बारे में पता लगा रहे हैं? हाँ। कुछ पता चला इंस्पेक्टर? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे बात? जी इन्होंने बताया था कि एक इंस्पेक्टर है जो मेरे केस की छानबीन कर रहे हैं और मेरा बयान लेना चाहते हैं। देखो उस एक्सीडेंट में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारा सही बयान चाहिए। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा इंस्पेक्टर। सर में चोट है, डॉक्टर नर्स और अब आप भी कह रहे कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए मुझे मानना पड़ रहा है। क्या तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है? नहीं। इस लड़के को पहचानते हो? कौन है ये? ये फोटो तुम्हारे पर्स में मिली और ये नेकलेस भी। अजीब बात है इंस्पेक्टर, मैं अपने आप में खो गया हूं। तुम्हारा ये नाटक डॉक्टर के सामने चल गया मिस्टर, मेरे सामने नहीं चलेगा। सच सच बताओ। क्या मतलब? मतलब जुहू के ब्लू हेवन होटल के सामने से तुमने घनश्याम गुप्ता की कार चुराई। हो सकता है कोई अपराध भी किया हो और फिर उस चोरी से बचने के लिए अब तुम नाटक कर रहे हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इंस्पेक्टर, कौन सी चोरी, कैसा अपराध? देखो उस ट्रक ड्राइवर को सिर्फ तुम ही पहचान सकते हो। अगर इस मामले में तुमने मेरी मदद की ना तो कार चोरी जैसे छोटे से अपराध से मैं तुम्हें बरी कर सकता हूँ। सिर्फ सच सच बताओ। कौन सा ट्रक, कौन सा ड्राइवर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इंस्पेक्टर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी खूबसूरत है इसकी गर्दन, अगर मैंने इसकी गर्दन दबा दी तो और खूबसूरत हो जाएगी। हाँ मुझे इसकी गर्दन दबा देनी चाहिए। मुझे लड़की की गर्दन खूबसूरत बनानी है। इंजेक्शन क्यों? मुझे लड़की की गर्दन खूबसूरत बनानी है। इजी इजी मुझे। यार ब्रेव गर्ल। हेलो। हेलो मेरा नाम डॉक्टर भारद्वाज है। क्या बात है, तुमने अपना नाम नहीं बताया? जी मुझे मेरा नाम ही नहीं मालूम। अजीब बात है, क्यों? जी सब लोग कहते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और तब से मुझे कुछ याद ही नहीं है। डॉक्टर साहब वो नर्स कहाँ है? डॉक्टर साहब वो आपके साथ वार्ड में रहने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आपको स्पेशल रूम दिया गया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ डॉक्टर साहब, वो तो बिल्कुल मेरी बहन जैसी है। आप उसे बुला दीजिए, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। तो फिर तुमने ये सब किया क्यों? जी मैं नहीं जानता मैंने ऐसा क्यों किया। ना जाने मेरे अंदर ऐसी क्या चीज थी जिसने मेरे कानों में, मेरे दिल और दिमाग में चीख चीख कर कहा कि इस नर्स को मार डालो, इसकी गर्दन को खूबसूरत बना दो। पता नहीं शायद मेरे दिल ने कहा। अच्छा मान लो कल को तुम्हारा दिल ये आवाज देता है कि तुम कुएं में कूद जाओ, तो क्या तुम कूद जाओगे? शायद कूद भी पड़ू। यकीन मानिए डॉक्टर साहब अब मुझे मेरे दिल और दिमाग पर कोई काबू नहीं रहा। हे भगवान न जाने मेरे दिमाग में ऐसे गंदे ख्याल क्यों आते हैं। हे भगवान मैं क्या करूं?
मैं क्या करूं भगवान। लेकिन इस हालत में उसके साथ अकेला रहने की हिम्मत कौन करेगा? उसके बारे में मैंने सोच लिया। क्या? मैं चाहता हूं कि उसकी देखभाल के लिए किसी औरत के बजाय एक मर्द को रख देना चाहिए। मर्द को देखकर उसके दिमाग में ऐसे ख्याल नहीं उठेंगे। वैसे मेरा ख्याल है कि ऐसा जुनून उसकी जिंदगी में पहली बार आया है। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? माई एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव यह कहता है कि ऐसा इस वक्त इसलिए हुआ है कि उसका दिमाग पूरी तरह से संतुलित नहीं था, लेकिन दुर्घटना से पहले उसका दिमाग संतुलित था। क्या भविष्य में भी ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, दौरा फिर भी पड़ सकता है। अरे सर, आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। कैसी इंफॉर्मेशन? वो लड़का हिंदू है सर। हिंदू है, ये आपने कैसे जान लिया? वो जब नर्स के बारे में बात कर रहा था तो अचानक उसके मुंह से निकला, हे भगवान हे भगवान, यू नो व्हाट आई मीन। ओ उसको सजा मिले क्यों जिसकी खता नहीं है। मैं कौन हूँ मैं क्या हूँ मुझको पता नहीं है। तकदीर के आगे तो कोई जोर न चलता है। फिर कैसे गिले शिकवे, फिर कैसी शिकायत है, फिर कैसी तमन्ना है, फिर कैसी ये हसरत है, फिर कैसी तमन्ना है, फिर कैसी ये हसरत है। मैं कौन हूँ मैं क्या हूँ मुझको पता नहीं है। उसको सजा मिले क्यों जिसकी खता नहीं है। सिकंदर! जी हमारा नाम हैदर अली है। हैदर केमिकल, हैदर टेक्सटाइल एंड हैदर ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक हैं। बैठिए। थैंक यू। आज के अखबार में आपने दो फोटो छपवाए हैं। हाँ। एक लड़का और एक लड़की का। जी। वो लड़का हमारा बेटा है। आपका बेटा है? जी हाँ, और वो लड़की हमारी बेटी है। सिकंदर अपनी बहन से बहुत प्यार किया करता था। बदनसीबी ने गुलनार को हमसे छीन लिया और तब से सिकंदर उसका फोटो अपने पर्स में लिए घूमता है। क्या नाम बताया आपने अपने लड़के का? सिकंदर। जी हाँ, सिकंदर। वो रोज हमारी फैक्ट्री देखने पूना जाता है। परसों रात जब वो नहीं पहुंचा तो हम बड़े हैरान हुए। हमने मैनेजर को फोन किया तो उसने बताया कि वो वहां पहुंचा ही नहीं। हम बड़े परेशान हुए, हमने जगह जगह फोन किए मगर कहीं उसका पता नहीं चला। और सुबह जब पेपर में उसका फोटो देखा तो यहाँ आ गए। ये सब कैसे हुआ इंस्पेक्टर? एक ट्रक से उसकी फियट का एक्सीडेंट हो गया। सिकंदर बेटे के पास फियट नहीं है, वो कोई और होगा। वो फियट चुराई गई थी। आप खुद सोचिए इंस्पेक्टर, जिसके पास चार चार इंपोर्टेड गाड़ियां हों
वो किसी की फ्लैट क्यों चुराएगा? आपकी तारीफ? मैं डीके सक्सेना हूँ, सेठ जी का मैनेजर। क्या सिकंदर की शादी हो चुकी है? जी नहीं। क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? कम से कम हमारी जानकारी में तो नहीं। ये नेकलेस उसकी जेब से निकला। हा? बड़ी अजीब बात है। कभी उसने किसी लड़की का गला घोटकर मारने की कोशिश की है? क्या बात कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब। अच्छा ये बताइए मिस्टर हैदर अली कि आपके बेटे ने ऐसी किसी की लाश देखी है जिसे वो बहुत चाहता हो? जी हाँ, वो उसकी बहन की लाश थी इंस्पेक्टर साहब। या अल्लाह, ये क्या बदतमीजी थी इंस्पेक्टर। आप सच्चे मुसलमान हैं मिस्टर हैदर अली, लेकिन जिस लड़के को आप अपना बेटा साबित करना चाहते हैं वो हिंदू है। क्या मतलब? मतलब जब आपको चोट लगी तो आपके मुंह से निकला है अल्लाह, लेकिन जब ऐसी चोट उस लड़के को लगी तो उसके मुंह से निकला हे भगवान निकला होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ, हम खुद भी हैरान है कि पिछले एक महीने से वो न जाने क्यों हिंदू धर्म शास्त्र पढ़ने लगा है, अल्लाह की जगह भगवान बोलता है, और हमसे ये भी कह रहा था कि हमारी बर्थडे के दिन हमें सरप्राइज देना चाहता है। बहरहाल हम सिकंदर से मिल सकते हैं ना? नहीं, पहले आपको साबित करना होगा कि वो आपका लड़का है। इंस्पेक्टर तमीज से बात कीजिए मिस्टर हैदर अली। सेठ साहब पुलिस ऑफिसर है। ठीक है, अगर आपको सबूत चाहिए तो आपको हमारे साथ अस्पताल चलना होगा, सिकंदर खुद ही आपको बता देगा कि हम कौन हैं। वो कैसे बता सकता है, वो अपनी याददाश्त खो चुका है। याददाश्त खो चुका है? चिंता मत कीजिए सेठ जी, अगर भगवान ने सिकंदर मियां की जान बख्शी है तो उसकी याददाश्त भी लौटा देंगे। इंस्पेक्टर साहब वैसे तो हम आपके सामने हजारों सबूत लाकर खड़े कर सकते हैं, लेकिन आपको जो सबूत चाहिए वो हमारे पास है, और वो है हमारा फैमिली एल्बम जिसमें सिकंदर की बचपन से लेकर जवानी की तस्वीरें हैं। हाँ ये ठोस सबूत हो सकता है। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। गुड मॉर्निंग मिस्टर सिकंदर। सिकंदर अच्छा नाम है, किसका नाम है? बेटे ये तुम्हारा नाम है, क्या तुम अपना नाम भी भूल गए? मेरा नाम? हाँ बेटा तुम सिकंदर हो। ये हमारे मैनेजर सक्सेना साहब हैं, क्या तुम इन्हें भी नहीं पहचानते? बेटा हम तुम्हारे अब्बा हैं। अब्बा? क्या आप मेरे अब्बा हो? या अल्लाह ये तेरा कैसा खेल है कि एक बेटे को अपने बाप से पूछना पड़ रहा है कि वही उसका बाप है? अरे मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों? सब ठीक हो जाएगा सिकंदर को, अब आराम की सख्त जरूरत है। प्लीज लेट्स गो। आइए। सब ठीक हो जाएगा बेटे, मैं सिकंदर को घर ले जाना चाहता हूं। अगर आप उसे यहां रहने दे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसके दिमाग और शरीर को आराम की सख्त जरूरत है। डॉक्टर साहब इसीलिए मैं उसे घर ले जाना चाहता हूं। इट्स ओके, आप उसे ले जा सकते हैं। ऐसे क्या देख रहे हो, तुम्हारा ही घर है बेटा। नमस्ते छोटे मालिक। आदाब छोटे मालिक। जय राम जी की सिकंदर बाबू। सलाम सरकार। एक अजनबी की तरह क्यों देख रहे हो बेटा, ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हारा घर। बेटा ये वो डिग्री है जो तुमने हमारी मर्जी के खिलाफ हासिल की थी, हमने तुम्हें लंदन पढ़ाई के लिए भेजा था, लेकिन तुम वहां जासूसी सीखने में लग गए। आपका नाम क्या है? हमारा नाम? लोग हमें हैदर अली कहते हैं बेटा, लेकिन तुम हमें अब्बा कहा करते थे। अब्बा? हाँ बेटा। आ बेटा आराम करो, बैठो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम जितना ज्यादा आराम करोगे उतनी जल्दी अच्छे हो जाओगे। स्कॉटलैंड सिकंदर? जी बिल्कुल, बेगानों की तरह अपने घर को देख रहा था। जी नहीं, अभी अपने कमरे में है। ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा।
आई गवा एक फैंटास्टिक आइडिया आई गवा। आइडिया? हाँ। कैसा आइडिया? देखो। याददाश्त का सीधा ताल्लुक दिमाग से होते के नहीं। और अपने छोटे मालिक कार एक्सीडेंट में अपनी याददाश्त खो गए हैं, इसका मतलब उनका दिमाग उलट-सुलट गवा। अगर छोटे मालिक को हम उल्टा कर दें तो उनका दिमाग सही पोजीशन में आ जाएगा। फिर उनकी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। अरे बिस्तर की क्या बात। अरे मेरी चिलकोली। सच्ची मुच्ची। पहले करके दिखाओ कैसी याददाश्त वापस आएगी। तो ये बात है। तब तक हम पान खा ले। तो देखो अभी हम पलटी खाते हैं। जरा इधर आओ इधर। जय बजरंग बली पप्पा। हम कौन है? कहाँ है? तुम कौन? तुम्हारी याददाश्त भी। अरे ये तो वही फोटो है जो मेरे पर्स में थी, साथ में मेरी फोटो। कौन है ये? क्या लगती है मेरी? बेटे कुछ याद आया? कौन है? देखो गौर से देखो इस तस्वीर को। ये तुम्हारी बहन है गुलनार, जिसे तुम प्यार से गुल कहा करते थे। कहा करते थे कि गुलों की मुस्कान है मेरी बहन। क्या तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा? याद करो बेटा, याद करो उस बहन को जिसे तुम बहुत प्यार किया करते थे। तुम्हारी सुबह होती थी उस बहन की मुस्कान से। तुम्हारी शाम ढलती थी उसकी शरारतों से, उसकी मस्ती से। तुम्हारी रात सोती थी उस बहन की ममता से। याद करो जब वो रूठ जाती तब तुम उसे किस तरह मनाया करते थे। ठीक है हम बाद में बात करते हैं। बैठ जा तुम दोनों का प्यार देखकर हम कभी कभी सोचते हैं कि जब गुलनार का निकाह हो जाएगा तो तुम कैसे रह पाओगे इसके बिना। अरे अब्बू मैं तो आपके बारे में सोच रहा था। हमारे बारे में? हाँ। नाक बंदरिया सी, आंख लोमड़ी सी, कान बकरी जैसे। अरे ऐसी लड़की का निकाह करने में बड़ी तकलीफ होगी आपको। क्या मैं बंदरिया हूँ? अब्बू जान देखो ना भाई जान को, जो मैं तुमसे बात नहीं करती। नहीं 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 नहीं, हमारी बहना की तो आंखें हिरनी जैसी हैं, नाक तोते जैसी है, लाखों में एक है हमारी बहना। बिल्कुल। इसका निकाह बड़ी धूमधाम से करेंगे। क्यों? अरे बड़ी धूमधाम से करेंगे इसका निकाह। बहना मेरी दुल्हन बनी है, आए बाराती मेहमान के बहना मेरी दुल्हन बनी है। पूरे हुए है अरमान, मैं जाऊं कुर्बान के बहना मेरी दुल्हन बनी है। आए बाराती मेहमान के बहना मेरी दुल्हन बनी है। पूरे अरमान, मैं जाऊं कुर्बान के बहना मेरी दुल्हन बनी है। आए बाराती मेहमान के बहना मेरी दुल्हन बनी है। सर पे है फूलों
का सेहरा, मीठे सर पे है फूलों का सेहरा, फूलों की लड़ियों में रेशम सुनहरा, फूलों की लड़ियों में रेशम सुनहरा, सेहरे पे सेहरे पे जाऊं कुर्बान के बहना मेरी दुल्हन बनी है, सेहरे पे जाऊं कुर्बान के बहना मेरी दुल्हन बनी है, पूरे हुए हैं अरमान मैं जाऊं कुर्बान के बहना मेरी दुल्हन बनी है, आए बाराती मेहमान के बहना मेरी दुल्हन बनी है। बहना के हाथों में मेहंदी की लाली, लाली की रंगत न कम होने वाली, लाली की रंगत न कम होने वाली, लाली पे जाऊं कुर्बान के बहना मेरी दुल्हन बनी है, लाली पे जाऊं कुर्बान के बहना मेरी दुल्हन बनी है, पूरे हुए हैं अरमान मैं जाऊं कुर्बान के बहना मेरी दुल्हन बनी है, आए बाराती मेहमान के बहना मेरी दुल्हन बनी है, आए बाराती मेहमान के बहना मेरी दुल्हन बनी है। कुछ याद आया ना? जिस बहन से तुम इतना प्यार करते थे उसे कैसे भूल सकते हो तुम? याद करो बेटा, वो दिन तुम्हारी बहन विदाई का जोड़ा पहनने अंदर गई थी, सब लोग बातों में मशगूल थे, इतने में एक चीख गूंजी, वो चीख तुम्हारी बहन की थी, किसी ने बलात्कार करके गला घोट के उसे मार दिया था, उसकी लाश को देखकर किस तरह चुप हो गए थे तुम। लाली की रंगत ना कम होने वाली, लाली पे जाऊं कुर्बान के बहना मेरी दुल्हन बनी है, कि बहना मेरी दुल्हन। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ठीक है बेटा, आराम करो, रात बहुत हो गई, चलो। नहीं नहीं ठीक है हाँ सब हो जाएगा, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सक्सेना साहब, आइए। सेठ साहब, एक समस्या आन पड़ी है, इसलिए सवेरे सवेरे आपको परेशान करना पड़ा। जब तक जीना है सक्सेना साहब, तब तक परेशानियों का सामना तो करना ही होगा। बोलिए क्या बात है। होटल स्टाफ को पेमेंट्स देने के लिए सिकंदर बेटे से चेक पर साइन करवाने थे सेठ साहब,
नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल में सिकंदर की दिमागी हालत देखते हुए इस वक्त उसे आराम ही करने दिया जाए तो बेहतर है। तो फिर स्टाफ की पेमेंट का क्या होगा? हाँ, आप उसकी फिक्र ना करें, मैं मेहता जी से बात करके आपको हैदर टेक्सटाइल्स का चेक भिजवा दूंगा। जैसे आपने आज आधे घंटे वॉक किया, वैसे अगर रोज करें तो बहुत बेहतर होगा। जी हाँ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटा? गुड मॉर्निंग बेटे। मॉर्निंग अंकल। कैसे हो? रिलैक्स बेटे। लगता है सिकंदर खुश नहीं है डॉक्टर साहब। मुझे भी यही लगता है। जी हाँ, मैं तो यही कोशिश कर रहा हूँ डॉक्टर साहब कि सिकंदर को ज्यादा से ज्यादा आराम मिले। अगर आप कहें तो उसकी देखभाल के लिए नर्स रख लूं। नहीं, साइकेट्रिस्ट भारद्वाज का कहना था कि इनके पास किसी अकेली लड़की को नहीं रहना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आप किसी ऐसे आदमी को अपॉइंट करें जो इनका दोस्त बनकर रहे और इनका दिल भी बहला सके। हम अपने बेटे के लिए डॉक्टर साहब आज से ऑफिस भी नहीं जाएंगे। हम अपने बेटे को बाप का प्यार और दोस्त की दोस्ती भी देंगे। नहीं सर, आप उनके फादर हैं और आप उनके मैनेजर, हो सकता है वो आपको अपने दिल की बात ना बता सके। तो ठीक है, सिकंदर बेटे के लिए एक ऐसे आदमी को ढूंढ लेते हैं जो दोस्त की तरह उसकी देखभाल कर सके। लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि वो आदमी पढ़ा लिखा, हसमुख, मिलनसार और सिकंदर के लिए नया आदमी होना चाहिए। जरा लहर लौट हो जाए गुरिया मारो नन, ये गोल गप्पा खाई के मुंह की तरह गर्दन उठाई के कहा चले आते हो? हैं ये कोई अजाब घर नहीं है, समझे का? हाँ, पहले हमसे पूछो, परमिशन ले ओ, तब अंदर जाने का है। हाँ, वो आप ही हैं जिनका लॉस ऑफ मेमोरी हो गया है? ओ, तो आप ही हैं। बड़े अफसोस की बात है, आप अपनी याददाश्त खो बैठे। भैया वो हम नहीं है, हमारे साहेब हैं। ओ अच्छा अच्छा, हाँ जरा हमें उनके पास ले जाइए। वो अभी यही आते हैं। आप उनको बोलिए रूपेश बाबू आए। अच्छा रूपे बाबू आते साहब। साहेब कौन है? जी साहेब। जी मेरा नाम रूपेश है, मैं हैदर अली साहब से मिलना चाहता हूँ। पापा तो अभी आते होंगे, आप बैठिए। थैंक यू। प्लीज। थैंक यू। चाय चलेगी? जी, आमतौर पर ऐसे मौकों पर लोग नो थैंक यू कहते हैं, लेकिन वो क्या है कि आज आपके यहाँ वक्त पर पहुंचने के चक्कर में मुझे अपनी बेड टी, मॉर्निंग टी सब कुर्बान करनी पड़ी। क्यों? नौकरी का सवाल है यार। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपके यहाँ नौकरी करने आया हूँ, मुझे आपको यार नहीं कहना चाहिए था। मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं, नौकरी तो तुम पापा की करोगे और मेरे लिए तुम दोस्त हो। मुझे नौकर नहीं, दोस्त पसंद है। लो। थैंक यू। कंपेनियनशिप के लिए लाया गया, यहां किसी की याददाश्त खो गई है ना? तो तुम मेरी कंपेनियनशिप के लिए आए हो? आपकी कंपेनियनशिप के मतलब आपकी याददाश्त खो गई है? जी हाँ। अरे भाई मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन, आप बड़े किस्मत वाले हैं। वो क्यों? अरे भाई जिन लोगों से आपने उधार ले रखा है ना, उसे लौटाना ही नहीं पड़ेगा। मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग सन, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे तुम रुपेश हो ना, सक्सेना साहब ने भेजा? जी। गुड गुड, बेटा तुम्हारा नाश्ता तैयार है, चलो कर लो। कम रुपेश? मैं नाश्ता? हाँ जाओ, कह रहा तो जाओ ना। कम ऑन। सुनो रुपेश जी, अब बेफिक्र रहिए सर, मुझ पर भरोसा रखिए। ये लो सर चाय। सेठ साहब, सिकंदर बेटे को घर के माहौल में कुछ याद आ रहा है? नहीं सक्सेना साहब, बिल्कुल अनजान सा देखता है इस घर को। जल्दी सब कुछ याद आ जाएगा, मैं चलता हूं। जी। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। गुड मॉर्निंग मिस्टर, क्या नाम बताया था आपने? सक्सेना। कैसे हो? ठीक हूं। प्लीज। जी आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए बैठिए। क्या लेंगे, चाय कॉफी? कुछ नहीं, मैं ये पूछने आया हूं कि सिकंदर को कुछ याद आया? जी नहीं, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। सिकंदर ने घनश्याम गुप्ता की ब्लू हेवन होटल से कार चुराई थी। ब्लू हेवन? हाँ। वो होटल आपका है? जी हाँ हाँ, लेकिन क्या सिकंदर ने अपने ही होटल के सामने से कार चुराई? आपको नहीं मालूम? इंस्पेक्टर साहब,
हमारा कारोबार इतना बड़ा है कि हम हर तरफ नजर नहीं रख सकते। हमारा बेटा और सक्सेना साहब ही सब कुछ देखते हैं, हमें तो कुछ भी पता नहीं होता, कुछ भी नहीं। आपको तो कुछ पता ही नहीं, लेकिन हमें पता है कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। आपकी बेटी का बलात्कार, उसका मर्डर, आपके बेटे का एक्सीडेंट, लगता है धागे कुछ उलझे हुए हैं। लेकिन उलझे हुए धागों को सुलझाने में इंस्पेक्टर आंग्रे को मजा आता है। फिर मुलाकात होगी क्या? नहीं नहीं नहीं, गुलनार के बारे में उससे कोई बात नहीं करना। वो अगर टॉपिक छेड़े भी तब भी तुम उससे कोई बात नहीं करना, ठीक है? हाँ हाँ, तुम्हें जितने पैसों की जरूरत हो मुझसे आके ले लो। सिकंदर से कोई भी चेक साइन नहीं करवाना, यू अंडरस्टैंड? ठीक है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मंजिल करीबी है। रुपेश सर, क्या मैं तुम्हें विश्वास कर सकता हूँ? जरूर सर। अच्छा तो ये बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? मैं कुछ समझा नहीं। जरा सोचो, कल अगर तुम्हारी याददाश्त खो जाए और कोई आदमी आकर कहे कि वो तुम्हारा बाप है, क्या तुम मान लोगे? जबकि तुम्हारा दिमाग तक उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। पता नहीं सर कि मैं मानूंगा या नहीं, पर मुझे लगता है कि आपको अपने सिकंदर होने पर शक है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? लेकिन इसकी कोई वजह भी तो होगी। वजह है, अगर मैं सिकंदर हूं और अपनी कैडिलैक गाड़ी में जा रहा था तो एक्सीडेंट के वक्त किसी फियर्ड में क्यों पाया गया? और अगर सचमुच में इतना रहीस हूं तो मुझे किसी घनश्याम दास गुप्ता की गाड़ी क्यों चुरानी पड़ी? और वो नेकलेस, वो नेकलेस मैंने किसके लिए लिया था? और अगर मैं सचमुच सिकंदर हूं तो कोई मेरा यार दोस्त क्यों नहीं है? कोई मुझसे मिलने क्यों नहीं आता? सर आप तो सिक्के के एक ही साइड देख रहे हैं सर, द नेगेटिव साइड। आप इसके पॉजिटिव पहलू क्यों नहीं देखते? मतलब वो एल्बम, आपके पर्स में मिली हुई आपकी बहन की फोटोग्राफ, कमरे की अलमारी में आपके कपड़े, जूते वगैरह वगैरह। लगता है मेरे खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रची गई। नौकरों चाकरों को तो सिखाया भी जा सकता है, और सबूत तो बनाए भी जा सकते हैं। चलिए एक पल के लिए आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन इन सबसे उनको क्या फायदा? घर के नौकर चाकर जो इतने प्यार और इज्जत से आपको छोटे नवाब कहकर पुकारते हैं, और फिर सेठ हैदर अली आपको पिता का प्यार दे रहे हैं, आपकी याददाश्त वापस लाने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया? देश विदेश के डॉक्टर से कंसल्टेशन कर रहे हैं। बताइए सर, अगर आप वाकई सिकंदर नहीं होते तो कोई आपके लिए इतना कुछ क्यों करेगा? यही तो मैं मालूम करना चाहता हूं, तुमसे डिस्कस करना चाहता हूं। आइडिया, हमें अभी पता चल सकता है कि आप सिकंदर हैं या नहीं। कैसे? वो कपड़े कहाँ है जो आप एक्सीडेंट के वक्त पहने हुए थे? ऊपर रूम में। हाँ देखिए, उन कपड़ों पर जरूर किसी टेलर की चिट लगी होगी। अगर आप वाकई सिकंदर हैं तो उन कपड़ों पर लगी हुई चिट और उस कमरे में ढेर सारे कपड़ों पर लगी हुई चिट एक ही टेलर के होंगे, और अगर वो चिट अलग अलग हुए तो आप सिकंदर नहीं है। गुड आइडिया। ये सब एक ही टेलर के लगते हैं, बंबई के किसी माधव टेलर की चिट। इसमें तो किसी कृष्णा टेलर पूना का पता है। हा? ये बॉम्बे, ये पूना, शायद मुझे वहां पता चल जाए कि मैं कौन हूं। तुम मेरी मदद करोगे? अब आपने दोस्त बनाया है तो दोस्ती तो निभानी ही होगी। सिकंदर, सिकंदर, सिकंदर बेटा, सिकंदर, अरे कोई है? गंगवा, ओ सलीम, इधर आओ। सिकंदर भाग गया, कहाँ गया वो? सर पता नहीं सर। तुम्हें क्या झक मारने के लिए रखा था हमने? सर वो मैं उसे इसी कमरे में छोड़ के गया था सर, तब वो सो रहा था, मैंने सोचा मैं भी अपनी कमर जरा सीधी कर लूं। तुम भी हमारे और नौकरों की तरह बेवकूफ हो, जाने उसके दिमाग में क्या है, पता नहीं कहां भटक रहा होगा हमारा बेटा। मैं कौन हूं?
तुझको पता नहीं है मैं कौन हूँ मैं क्या हूँ, मुझको पता नहीं है उसको सजा मिले क्यों जिसकी खता नहीं है, मैं कौन हूँ मैं क्या हूँ मुझको पता नहीं है। ओहो कसम सुई धागे की, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना, कहां खड़ा हुआ यार। नमस्ते जानी साहब। जॉनी बेटे तुम? जॉनी? क्या मैं जॉनी हूं? सिकंदर नहीं। खैरियत तो? कहीं बाहर चले गए थे क्या? बहुत दिनों में नजर आ रहे हो। मैं आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटे बिल्कुल, आओ अंदर चलते हैं। आओ इधर बैठ जाओ, यहाँ यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। जॉनी बेटे आपका नाम क्या है? कैसी बातें कर रहे हो, कहीं कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? मैं सचमुच आपका नाम भूल गया हूँ, मुझे प्लीज अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम लियाकत खान है। आप मुझे जानते हैं? अरे अरे जॉली बेटे, मैं तुम्हें नहीं जानूंगा तो और कौन तुम्हें जानेगा? मैं हमेशा से तुम्हें जानता हूँ, लेकिन ये तुम कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? सबसे बात तुम जॉनी डिसोजा हो बेटे। देखिए मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, दरअसल मैं अपनी याददाश्त खो बैठा हूँ। क्या? मेरा एक्सीडेंट हुआ था और उसमें मैं अपनी याददाश्त खो बैठा हूँ। अगर तुम अपनी याददाश्त खो बैठे हो तो मेरी दुकान का पता? दरअसल शर्ट पे लगी चिट पढ़ के ही मैं यहाँ आया हूँ और ये सोच के आया हूँ कि शायद आप मेरे बारे में कुछ जानते हो। हाँ हाँ जॉनी बेटे, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा एक्सीडेंट कब और कैसे हुआ। खैर ये बात छोड़िए लियाकत मियां, आप मेरे नाम से ज्यादा मेरे बारे में क्या जानते हैं ये मुझे बताइए। तुम्हें अपनी बीवी जैनिस के बारे में भी कुछ याद नहीं? क्या मैं शादीशुदा हूँ? हाँ तुम्हारी बीवी का नाम जैनिस है। क्या मेरे बच्चे भी हैं? नहीं, तुम्हारी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए। कहाँ रहता हूँ मैं? क्या आपको मेरा घर भी मालूम है? ये आपका बंगला है, इस पूरे इलाके में इससे ज्यादा खूबसूरत बंगला किसी का भी नहीं, सब लोग आपको जानते हैं और कसम सुईदा। हेलो जानी, बहुत दिनों बाद नजर आए, कहाँ थे? सर बाहर गया था यार। अब तो आ गए हो? हाँ। फिर कब जम रहे हो? अब तो आया हूँ, जम लेंगे यार। ओके मिलते हैं। कौन था ये लियाकत मियां? मालूम नहीं, हो सकता है आपका कोई पुराना दोस्त हो। लगता है काफी पुराना दोस्त है, पता नहीं किस चीज की जमने की बात कर रहा था। कसम सुई धागे की, जमने की बात करके हमें यहाँ जमा गया। आइए चलिए ना, आइए आइए। आपकी याददाश्त चली गई, उस नन्ही सी जान पर क्या गुजरेगी समझ नहीं आता। आती हूँ ना पापा। आ रही है। अरे अंकल आप? हाँ बेटी मैं, देखो ना किसको लेकर के आया हूँ। आप आ गए? आप जेनिस बेटी शायद तुमसे नाराज है। आखिर क्यों? शायद इसलिए कि तुम बहुत दिनों के बाद आए हो ना बेटे। तुम जाओ ना, जाओ अंदर जाओ। आप नहीं चलेंगे? बेटे मियां बीवी के बीच में मैं आके क्या करूंगा। नहीं लियाकत मियां, आप मेरे साथ चलिए, उसे मेरे साथ हुई दुर्घटना के बारे में बताइए। हाँ ठीक कह रहे हो, आओ आओ बेटे आओ, आओ आ जा बेटे आओ। बेटी बेटी जेनिस, मुझे तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बातें बतानी है। इनसे पूछो अंकल, आज अचानक इन्हें अपनी वाइफ की याद कैसे आ गई? बेटी बेटी तुम नहीं समझ रही हो। मैं सब समझती हूँ, ये मुझसे शादी करके पछता रहे हैं, तभी तो इस तरह बिना बताए गायब हो गए। बेटे बेटी ये लड़ने का वक्त नहीं है, इनकी जिंदगी में बहुत बड़ी दुर्घटना घटी है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, उसके बाद जितना जी चाहे लड़ लेना, समझ गए? चलो बेटे तुम अंदर बेडरूम में जाओ, चलो मैं इसे समझा करके आता हूँ। बेटी Thank you.
जाने बेटे, जाने बेटे, मैंने बहू को सब कुछ समझा दिया है, इस पर सारी बातें इस पर रोशन हो गई हैं। मुझे इजाजत दो, खुदा हाफिज। जी जी, रुपेश की बात नहीं भूलिएगा। हाँ हाँ बेटे, मुझे याद है, अच्छी तरह याद है बेटे। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। बाय अंकल। आओ जॉनी। क्या अंकल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें कुछ भी याद नहीं? नहीं। मुझे माफ कर दो जॉनी, आते ही साथ में तुमसे झगड़ने लगी, मगर मैं क्या करती, मैं बहुत परेशान थी। उस जरा से झगड़े की वजह से तुम मुझे अचानक छोड़कर चले गए। झगड़ा? तुम्हें तो वो भी याद नहीं, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मेमोरी वापस लाकर रहूंगी। मेमोरी? तुम थक गए होगे, आओ तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। ओके, थैंक यू जीसस, आपने मेरे जॉनी को भेज दिया। मैं कौन हूं? जॉनी हूं या सिकंदर? जॉनी या सिकंदर? सिकंदर या जॉनी? जॉनी सिकंदर? सिकंदर जॉनी? जॉनी साहब, मैम साहब की चिट्ठी। जेनिस डिसूजा। साहब साहब, क्या साहब साहब लगा रखा है? साहब वो क्रिसमस की बख्शीश। कल आना। अच्छा जी, तुम्हारी चिट्ठी मम्मी की है, उन्होंने आपको भी विश किया है। जॉनी, कैसे और कहां हुआ था आपका एक्सीडेंट? डॉक्टर और इंस्पेक्टर ने होश में आने पर मुझे कहा कि मैं एक फेट चला रहा था और पूना रोड पर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। आपके पास फेट कहां से आई? मालूम पड़ा है कि बॉम्बे के किसी घनश्याम दास गुप्ता की गाड़ी थी। इसका मतलब आपने फिर चोरी की? चोरी? तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि मैंने चोरी की? क्या मुझे आपकी चोरी करने की आदत मालूम नहीं है? ऐसे भी घनश्याम दास गुप्ता नाम का आपका कोई दोस्त है ही नहीं, इसका मतलब आपने चोरी ही की। वैसे भी इसी काम में तो एक्सपर्ट हैं आप। क्या मतलब, क्या मैं चोर हूँ? वो नहीं थे, मगर मुझसे वादा करने के बाद भी चोरी करके आपने अच्छा नहीं किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर तुम मेरी जिंदगी में आई कैसे? मैं अपनी फैमिली के साथ गेटवे ऑफ इंडिया पर घूमने गई थी, आप भी वहाँ बोटिंग कर रहे थे, मैं आपको देखती ही रह गई और आप मुझे, फिर हम मिलने लगे। फिर क्या हुआ? क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा? नहीं। याद करो जॉनी, याद करो। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आप उस बाप की तकलीफ नहीं समझ सकते इंस्पेक्टर साहब, जिसका इकलौता बेटा खो गया हो, और वो भी ऐसा बेटा जिसकी याददाश्त गुम हो गई हो। आप चिंता मत करो, हम पर भरोसा रखो, जैसे ही उसका पता चल जाएगा हम आपको खबर कर देंगे। आप प्लीज जल्दी से जल्दी पता लगाइए इंस्पेक्टर साहब, न जाने किस हाल में होगा हमारा बेटा। क्या मैं हैदर अली का बेटा नहीं हूँ? क्या मैं जॉनी हूँ? क्या जेनिस मेरी बीवी है और मैं उसका पति? अगर जेनिस मेरी पत्नी है तो मेरे पर्स में फोटो किसका था? मैं हैदर अली का बेटा हूँ या जेनिस का पति? आखिर मैं कौन हूँ? जेनिस? हाँ? बाहर वो आदमी कौन था जो मुझे जमने के लिए कह रहा था? जमने के लिए? वो गजेंद्र होगा, आपका दोस्त, जुए की महफिल जमाने को कह रहा होगा। क्या मैं जुआ खेलता था? हाँ, पर मैं आपकी वो आदत छुड़ा दूंगी। अच्छा, क्या मैं कभी पर्स भी रखता था? हाँ, और वो पर्स आपको बहुत प्यारा था, क्योंकि उसमें आपकी माँ की फोटो थी। मेरी माँ का फोटोग्राफ कैसे हो सकता है? वो तो किसी यंग लड़की का फोटोग्राफ था। आप बचपन में घर से भागे थे, तब आपकी माँ यंग ही थी। क्या मैंने अपनी पिछली जिंदगी में कोई ऐसी लड़की की लाश देखी है जिसका गला दबा के मार दिया गया? हाँ,
एक बार आप और आपके गैंग का एक आदमी एक सेठ के यहाँ चोरी करने गए थे। वहाँ सेठ का बेटा और उसकी वाइफ सो रहे थे। वाइफ जाग गई और आपके दोस्त ने उसका गला घोटकर उसे मार डाला। ओह माय गॉड। पर जॉनी, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा? क्या तुम्हें ये भी याद नहीं आ रहा कि तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए थे? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। एक दिन हम ज्वेलरी मार्केट गए थे शॉपिंग करने। वहां मुझे एक नेकलेस दिखाई दिया। नेकलेस? मैं आपसे वो नेकलेस खरीदने की जिद करने लगी तो आपने कहा कि हम वो नेकलेस अभी नहीं खरीद सकते। मैं गुस्से में चली आई। आपने बहुत मनाया पर मैं मानी ही नहीं। तब आपने कहा कि मैं तभी वापस आऊंगा जब मेरे पास वो नेकलेस होगा। मैंने सोचा आप थोड़ी देर में चले आएंगे पर आप तो वापस आए ही नहीं। शायद तुम्हें देने के लिए ही मेरे नेकलेस चुराया हो और हो सकता है कि मैं पुलिस से डर के बॉम्बे भाग गया हूं। मगर जॉनी, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा? तुम कैसे भूल सकते हो वो प्यार भरी रातें जब हमारे प्यार की जोत जगी थी? हम नशी दिलरुबा जाने मन जाने जा। हम नशी दिलरुबा जाने मन जाने जा। हमने तुम्ही से है प्यार किया। हमने तुम्ही से है प्यार किया। शोक दिल हम सफर हम पीड़ा आप पर। शोक दिल हम सफर हम पीड़ा आप पर। हमने तुम्ही से है प्यार। जाने जा। आना ये दिल है दीवाना तुम्हारे लिए। वो जान जाना जरा पास आना ये दिल है दीवाना तुम्हारे लिए। दिल का फसाना लबों का तराना ये मौसम सुहाना तुम्हारे लिए। ओ ऐसे में ना तुम कहीं भी दूर जाना। शोक दिल दिलरुबा जाने मन जाने जा। सीना दीवानी जरा पास आ। प्यासी निगाहें मोहब्बत की बाहें सनम तुझको चाहे गले से लगा। बेखुदी में हम समा है आशिकाना। हम नशी दिलरुबा जाने मन जाने जा।
हम नशी दिल रुबा जाने मन जाने जा ला 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 हे 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 जॉनी कुछ याद आया नहीं कुछ याद आया मुझे कुछ याद नहीं आ रहा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कुछ तो याद करो जॉनी क्या हो गया तुम्हें जॉनी ये तो मर गई मैंने इसका खून कर दिया हे भगवान अब मैं क्या करूं मैंने हत्या कर दी मुझे रिफ्रेश करने से पहले भाग जाना चाहिए हाँ मुझे भाग जाना चाहिए मैं नहीं रुकूंगा मुझे, मुझे देखा मैं वादे के मुताबिक आ गया लेकिन तुमने ये दरवाजा खुला क्यों रखा है बस ऐसे ही तुम्हें घर ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई अरे लियाकत अली ने मुझे यहाँ का पता बता दिया था तुमने कहीं लियाकत अली को सिकंदर वाली बात तो नहीं कही ना मेरा दिमाग खराब हो गया अरे भाभी जी से तो मिलाओ अरे सिकंदर ये हेलो इंस्पेक्टर यादव आया व्हाट एमजी रोड पर आग लग गई हाँ ठीक है मैं अभी आ रहा हूं ओके क्या नाम है आपका सिकंदर कहां से आ रहे हो पुणे से जाना कहां है बंबई क्यों क्यों का मतलब बॉम्बे में मेरा घर है कहां 16th रोड पे सेठ हैदर अली का बेटा हूं पुणे किस सिलसिले में गए थे बिजनेस के सिलसिले में क्या बिजनेस है आपका जी फैक्ट्री है जी हमारी खुद की जी कमाल है फैक्ट्री लगाए बैठे और सफर कर रहे हो इस कंपार्टमेंट में टिकट दिखाओ ये लड़की तुम्हारे साथ है जी हाँ बैग आपका है हाँ सर खासड़ की गन कहां से आ रही है ये कैन किसका है मैं पूछता हूं ये कैन किसका है सारे देश में घासलेट की प्रॉब्लम है अगर कहीं एक बूंद भी मिल जाए तो लाइन लग जाती है और यहां इस ट्रेन में कि जहां घासलेट ले जाना जुर्म है 20 लीटर घासलेट पुणे से बंबई जा रहा है किसका है कैन मैं पूछता हूं जवाब दो किसका है कैन मैं आखिरी वार्निंग देता हूं अगर मैंने पता लगा लिया तो मैं उसकी खाल खींच लूंगा ऑल राइट हाथ ऊपर करो तुम लोग साहब हाथ ऊपर करो हाँ
बाकी लोगों से माफी चाहता हूं। हकीकत में मुजरिम को गिरफ्तार करने के लिए कई बार हमें शरीफ आदमियों के साथ भी सख्ती बरतनी पड़ती है। एक सिग्नेचर आप कर दीजिए। मैं? घबराने की कोई बात नहीं, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस आदमी को घासलेट के केन के साथ हमने पकड़ा, और यही बात आपको अदालत में भी कहनी है। अपना एड्रेस भी डाल दीजिएगा ताकि जब हम आपको कांटेक्ट करना चाहें तब कर सके। थैंक यू मिस्टर कामले। एक सिग्नेचर आप कर दीजिए। मुझे आप माफ कर दीजिए तो ही बेहतर होगा इंस्पेक्टर साहब। क्यों? क्योंकि मैं बॉम्बे का रहने वाला हूं और आपका केस तो पुणे कोर्ट में जाएगा। बिजनेस के सिलसिले में आप पुणे तो आते जाते रहते हैं ना? हाँ, पर फिर भी इस तरह से तो हर आदमी पीछा छोड़ा सकता है मिस्टर सिकंदर, और अगर सभी लोग यही करने लगे तो हम लोग कानून की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। प्लीज साइन इट। एड्रेस? थैंक यू मिस्टर सिकंदर। यू नो, आज पहली बार मेरा अंदाजा गलत निकला। क्या मतलब? जब मैंने आपको पहली बार देखा तो आपके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, और मेरा अंदाजा था कि यह केन तुम्हारा ही होगा, लेकिन नहीं, मैं गलत निकला। ऐसा मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ। क्या इसीलिए आपने मुझसे इतने सवाल किए थे? जी हाँ। अब तो मैं सेठ हैदर अली के घर भी नहीं आ सकता, क्योंकि जेनिस के मर्डर के केस में पुलिस मेरे पीछे आ सकती है। नहीं, अब मैं कहीं और जाऊंगा। सलाम साहब। अरे यादव, ए यादव, यादव क्या है यार? अरे अरे यार, तू यहाँ ड्यूटी करने आता है या सोने आता है? अरे यार, बाहर में जाए यार ड्यूटी, सालाना दिन को चैन है ना रात को आराम। कल सारा दिन वो मजदूरों की हड़ताल पर ड्यूटी देनी पड़ी और पूरी रात एमजी रोड पर। वहां से वो आग लग जाने की खबर आई थी यार, एक औरत इतनी बुरी तरह जल चुकी है कि पोस्टमार्टम के लायक भी नहीं रही। पता चला कौन थी वो और आग कैसे लगी? आग लगने का कारण तो पता नहीं चल सका, पड़ोसियों ने सिर्फ इतना बताया कि वो अपने पति के साथ रहती थी जिसका नाम जॉनी है। जॉनी उस समय मौजूद नहीं था वहां। पांडो जी साहब, दो चाय ले गया, अभी लाया। दीवान, उससे मेरी मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन हाँ उसका एक जला हुआ फोटो मेरे हाथ जरूर लग गया। हो सकता है यही अपनी बीवी को जलाकर भाग गया हो, लेकिन यार सूरत से तो ऐसा कातिल लगता नहीं। देखो जरा, क्या राय है तुम्हारी? ये तो सिकंदर है, कल रात मुझे ट्रेन में मिला था। नो, पड़ोसियों के हिसाब से ये जॉनी। नहीं नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, ये सिकंदर ही है। अब ये कैसे पता चलेगा ये जॉनी है या सिकंदर? ये जानने के लिए हमें बंबई जाना पड़ेगा। सुनवाई नहीं कोई मजबूर सदाओं की, मेरी तरह से ऐसे मजबूर ना हो कोई, अपनी ही चाहतों से यूं दूर ना हो कोई, अपनी ही चाहतों से यूं दूर ना हो कोई। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझको पता नहीं है, उसको सजा मिले क्यों जिसकी खता नहीं है।
हाँ बेटा। अच्छा चलो घर। घर? हाँ अपने घर। हाँ चलो। चलो। आइए ना जीजू आइए ना। जीजू जीजू यही रहना। तू आ गया पप्पू? देखो मैं किसे लाया हूँ। कौन है बेटा? पहले अपनी आंखें बंद करो। अच्छा अब देखो पप्पू पाशा का जादू मंत्र इधर का उधर हो जाए, खोया हुआ वापस आ जाए। ठहरिए मैं अभी आता हूँ, आंखें मत खोलना। अब आंखें खोलो। मेरा बेटा, मेरा बेटा, बेटा, तू जिंदा है, मेरा आकाश जिंदा है, मेरा बेटा जिंदा है। ये दुनिया वाले जन्म के लिए झूठ कहते थे कि मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा नहीं मर सकता, नहीं मर सकता मेरा बेटा। आ बेटा, आ, अंदर आ, आ जा, आ। मैंने शादी की सारी तैयारियां कर ली थी, तो कहाँ चला गया था? कोई अपने मंगेतर को इस तरह छोड़ के जाता है क्या? जी। मैं और मंगेतर। खबरदार जो तुमने खुद को मेघना का मंगेतर कहा। कौन हो तुम? जी मैं। अरे ये क्या बेटी, तुमने इसे पहचाना नहीं? ये हमारा आकाश है। प्लीज मम्मी आप चुप रहिए, कितनी बार आपसे कह चुकी हूँ कि आप चाहे किसी को भी अपना बेटा कह ले मगर मेरा मंगेतर किसी को मत कहिए। ये कोई थोड़ी है दीदी, ये तो मेरे दीदू है। चुप रहो। तुम्हारे जाल में पप्पू फंस सकता है, माँ धोखा खा सकती है मगर मैं नहीं। अगर मैं आकाश नहीं हूँ तो ये माँ मुझे बेटा क्यों कह रही है? उन्होंने जब से अपनी बेटी का मंगेतर खोया है वो पागल सी हो गई है, हर किसी को आकाश समझने लगती है। मैं आकाश क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसकी लाश मैंने अपनी आंखों से देखी है, उसकी लाश के सामने अपनी कलाई की रंगीन चूड़ियां तोड़ी है मैंने। क्या मेरी शक्ल आकाश से मिलती है? मैं फिर कहती हूँ कि नाटक बंद करो, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। निकल जाओ इस घर से वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। चलो पप्पू, मम्मी जब ये चले जाए तो दरवाजा बंद कर लीजिएगा। मेघना की किसी बात का बुरा मत मानना बेटी, पता नहीं किसी की लाश को आकाश की लाश समझकर इस बेचारे ने अपनी सारी चूड़ियां तोड़ डाली, खुद को विधवा से समझने लगी है ये। अरे हाँ तू भूखा होगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। मैं कौन हूँ? सिकंदर, जॉनी या आकाश? गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आई एम पीसी यादव आईसी के दीवान। प्लीज बी सीटेड। थैंक यू। We are from Pune police station. Pune, I see. हमें आपकी मदद चाहिए। सेठ जी, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। उस आदमी की तबीयत कैसे ठीक रह सकती है सक्सेना साहब, जिसका इकलौता बेटा खो गया हो। इतने दिन हो गए, सिकंदर का कुछ पता नहीं चला। सेठ जी, सिकंदर को ढूंढने के लिए आपने जमीन आसमान एक कर दिया, अब तो ऊपर वाले पर भरोसा है, एक न एक दिन सिकंदर बेटा जरूर मिल जाएगा। इतना बड़ा कारोबार है, सोचा था कि बेटा संभाल लेगा, अब न जाने क्या होगा। सेठ जी, सिकंदर बेटा जरूर मिल जाएगा, फिर आप क्यों चिंता करते हैं? कारोबार का जो सवाल है, जितना मुझसे बन सकता है उसे संभालने की कोशिश करता हूं। आप पर ही तो भरोसा है सक्सेना साहब, इसीलिए तो सारा कारोबार आप पर छोड़ रखा है। मुझे तो खबर ही नहीं कि कहां क्या हो रहा है। कितना गलत था मैं जो उस आदमी को सही समझ बैठा, क्योंकि यादव ने जब जॉनी की तस्वीर मुझे दिखाई उस हिसाब से ये वही आदमी था जो अपने आप को मुझे सिकंदर बता रहा था। सिकंदर? इसी नाम के आदमी की तो मुझे भी तलाश है। फोटो है ना आपके पास? मैं लेकर आया हूं। ये रहा उसका फोटो। हाँ, इसी सिकंदर को तो ढूंढ रहा हूं मैं। आप इसे जानते? बहुत अच्छी तरह। सेठ हैदर अली का इकलौता बेटा है ये। नो नो मिस्टर आंगरी,
ये जेनिस का पति है जॉनी। कल रात को ही मैं उसे मिल चुका हूँ। ये देखिए पंचनामे पर उसकी सिग्नेचर और एड्रेस की जेरोक्स कॉपी। 16th रोड जू सेठ हैदर अली का पता है ये। इंस्पेक्टर साहब आए ने। हाँ हाँ आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा मिल गया। हमें तो पता चला है कि वो यहीं आया है। यहाँ कहाँ है सिकंदर, यहाँ कहाँ है? तुमने उसे इसी बंगले में कहीं छुपा कर रखा है। आप कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, भला अपने बेटे को मैं क्यों छुपाऊंगा? ज्यादा नाटक करने की कोशिश मत करो मिस्टर हैदर अली, उसे हमारे हवाले कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक बात अच्छी तरह समझ लो मिस्टर हैदर अली, मुजरिम को पनाह देने वाला भी मुजरिम ही होता है, चाहे फिर वो मुजरिम का बाप क्यों ना हो। मेरा सिकंदर मुजरिम कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, हो क्यों नहीं सकता? जो आदमी पूना एमजी रोड पर एक जवान औरत का मर्डर कर सकता है वो मुजरिम क्यों नहीं हो सकता? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ये बिल्कुल सही है, और सिकंदर पूना से बंबई आया हुआ है, उसका गवाह मैं हूँ। नहीं ये झूठ है, झूठ है इंस्पेक्टर साहब। मेरा बेटा तो एक चींटी भी नहीं मार सकता, वो किसी इंसान का खून कैसे कर सकता है? देखिए आप लोगों को या तो कोई गलतफहमी हुई है, या तो फिर आप सब मिलकर मेरे बेटे को किसी साजिश का शिकार बना रहे हैं। साजिश किसकी है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर सिकंदर यहाँ आया और तुमने हमें खबर नहीं की तो तुम कानूनन अपराधी कहलाओगे। दीदी ये आकाश की तस्वीर है। वाह दीदी क्या बात है, आप उनसे कह रहे हैं कि ये उन्हीं की फोटो है? पप्पू तुम हमें डिस्टर्ब नहीं करोगे, और अगर किया तो मैं तुम्हें बाहर भेज दूंगी। देखिए ये हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, बेटा तुम यहीं खड़े रहो, लेकिन हमें डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक है, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं मम्मी के सामने तुमसे बात नहीं कर सकती, उन्होंने अपना दामाद खोया है इसलिए वो पागल सी हो गई हैं और तुम्हें आकाश समझती हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम आकाश नहीं हो सकते। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं कि मैं आकाश नहीं हूँ? मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मैंने अपनी आंखों से उसकी लाश देखी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो लाश आपने अपने मंगेतर की देखी हो किसी और की हो? क्या तुम खुद को मेरा मंगेतर साबित करना चाहते हो? मैं अपने आप को आपका मंगेतर साबित करना नहीं चाहता, बल्कि ऐसे ठोस सबूत जानना चाहता हूँ जो साबित कर सके कि मैं आकाश नहीं हूँ। सबूत तुम्हारी पीठ पर मिल जाएगा। पीठ पे? हाँ, मेरे मंगेतर की पीठ पर दाईं तरफ एक निशान था। ठीक है, अभी फैसला हो जाएगा। नहीं मैं कुछ नहीं जानती, चाहे कुछ भी हो तुम मेरे आकाश नहीं हो सकते। तुम चले जाओ यहां से। जाना तो होगा मेघना जी, क्योंकि मैं आकाश नहीं हूं, मगर जाने से पहले इतना जरूर जानना चाहूंगा कि क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहूंगा कि आकाश की मौत कैसे हुई थी। ये मेरी कहानी है मिस्टर, मेरी और मेरे मंगेतर की, इसमें कोई दखल दे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। दीदू अब यहां से चले जाएंगे? जाना तो पड़ेगा बेटा। क्यों? क्योंकि हम आपके जीजू नहीं है, और आपकी दीदी ने नहीं कहा आपको ये? चलो हम अभी बताते हैं आप हमारे जीजू हैं। जीजू जीजू ये किसका फोटो है? बैठो, ये देखो आपके फोटो और दीदी के फोटो, देखो। राजू कितने अच्छे समय पे आ गया है बेटे, मालूम है आज अपना आकाश वापस आ गया है। आ गया आकाश। मम्मी आकाश आपका दामाद था, वैसे मेरा दोस्त रॉकी था, गुरु था, उसके जाने का दुख मुझे भी हुआ है, लेकिन आपकी तरह कोई पागल। पागल? पागल मैं नहीं, तू है तू। मैं पागल? चल ऊपर जाकर देख, पप्पू के साथ ऊपर बैठा हुआ है। मम्मी आपको आराम की जरूरत है, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। तो जाता है क्यों? सारे रॉकी भूत 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 भूत। राजा अंकल ये भूत नहीं है, ये तो हमारे जीजू हैं। नहीं ये असली भूत है, रियल भूत। मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, मैं किसकी निकलता हूँ। यानी के रॉकी तू जिंदा है भैया? अरे ऐसे क्या देख रहा है, मुझे पहचाना नहीं? मैं राजा। अरे तूने मुझे ड्रम बजाना सिखाया था, तू चला गया, मैं भी बजाना छोड़ दिया।
लेकिन अभी राजा बजाएगा बाजा। पर जीजू तो जा रहे हैं। अरे ऐसे कैसे? दीदी ने कहा कि हमारे जीजू नहीं है। उनको पूरा यकीन है कि मैं रॉकी नहीं हूँ, और मैं यकीन के साथ कुछ भी नहीं कह सकता। अरे लेकिन मैं तो तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। कब कहा? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। किसका फोन था मिस आंग्रे? एक इन्फॉर्मर का, उसने सिकंदर को देखा है। कहां? पूना बॉम्बे एक्सप्रेस में। ओ, उसमें तो मैं भी उसे मिल चुका हूं। लेकिन वो दादर स्टेशन पर उतरा है। इसे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है इंस्पेक्टर। पूना से बंबई आने वाला आदमी अगर दादर स्टेशन उतरता है, इसका मतलब वो बॉम्बे सेंट्रल से बोरिवली तक या परेल से चेंबूर तक के बीच में कहीं रहता है। हमारे इन्फॉर्मर के इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमारा शिकार इसी इलाके में कहीं छुपा हुआ है। या! सारे गमों पा, पा, पागल, मैं पागल हो जाऊंगा अगर तुम चुपचाप बैठे रहोगे। मैं पागल हो जाऊंगा। चुप चुप बैठे खड़े जरूर कोई बात है आपकी, इनसे क्या नहीं मुलाकात है राजू भैया? चलो अच्छा हुआ बोला, गुस्से में मुंह तो खोला। लेकिन आप मेरी एक बात क्यों नहीं मानते? आपके सामने जो आदमी बैठा हुआ है ना, वो आपका पेंगिस्ट आकाश और होटल ब्लू हेवंस का सिंगर रॉकी है, जो मेरा दोस्त और मेघना का मंगेतर है। यही तो मैं कह रही हूँ, पर ये मानती कहाँ है?
देखो आप लोग मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, ये आदमी अपने आप को रॉकी साबित इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसकी याददाश्त जा चुकी है। ये नहीं जानता ये कौन है, रॉकी भी हो सकता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इसकी शक्ल रॉकी से मिलती है, और भी कुछ बात है। जैसे कि जिस रात को रॉकी का मर्डर हुआ उस रात को इसका कार को लेके भाग जाना, इसके दाएं कंधे पर निशान पा जाना, पप्पू की कुदरती मुलाकात, माँ का विश्वास, और सबसे बड़ी बात तो यह है इस स्ट्रांग दिल का मुलायम गीत सारेगामा पा पा पप्पू का जीजू यही है। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, मैंने सिर्फ इसे पप्पू की खातिर यहाँ रखा है। जिस दिन पप्पू इससे नफरत करने लगेगा इसे यहाँ से जाना होगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन कहाँ खो गए तुम आकाश? आकाश, 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 कहाँ गुम हो जाते हो तुम आकाश? अगर हम सचमुच गुम हो गए तो? तुम गुम हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी आंखों में काजल बना के बसा लिया है और पलके बंद कर लिए हैं। हम वो हैं जो आंखों से काजल चुरा लेते हैं। अच्छा जी, गुम होकर दिखाएं? तुम गुम हो ही नहीं सकते। अभी देखो, आकाश से दूर होकर मेघ हमेशा बरसते ही है।
को तो तू भी पहचाने ना, बिना तुझे देखे मेरा दिल अब माने ना। बाहों में अभी जा, क्यों मुझे न सता। अपनी मेघना को यूं भटकने के लिए, पर जिसने भी तुम्हें मुझसे अलग किया है ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वादा करती है तुम्हारी ये मेघा, मैं उस कातिल से बदला लेकर आऊंगी। कौन है? मैं हूं मेघना जी। पप्पू सो गया है, आप अंदर ले लीजिए। अगर सो गया है तो उसे नीचे ही सोने दो। जी नींद में दीदी को पुकार रहा था, इसलिए से मैं यहां ले आया हूं। मैंने कहा था ना कि तुम ऊपर नहीं आओगे। मैं जानता हूं मेघना जी, मैं पप्पू को सोफे के ऊपर लिटा कर जा रहा हूं। जब चला जाऊं तब दरवाजा खोलकर पप्पू को अंदर सुला लीजिएगा।
मैं सोच रहा हूं मिस्टर दीवान, किसी कुएं में छलांग लगाऊं या किसी ऊंची बिल्डिंग से कूद जाऊं। सचमुच यह हमारे लिए डूब मरने की बात है। 15 दिन हो गए, सिकंदर का कहीं कुछ पता नहीं चला। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यहां से कहीं और निकल गया हो? मुझे यकीन है कि वो इस शहर में ही मौजूद है, क्योंकि शहर के बाहर जाने वाला हर रास्ता मैंने सील करवा दिया है। नहीं मिस्टर आंगरे, सिकंदर इतने दिनों तक शहर में रुकने का रिस्क नहीं लेगा। इसके अलावा उसके पास कोई चारा ही नहीं था। छुपे रहने से वो पुलिस के शिकंजे से बच गया, और दूसरा उसको अपने बचाव के लिए रास्ता मिल गया। वो कैसे? इन 15 दिनों में उसने काफी सोचा होगा, प्लान बनाए होंगे, पुलिस के उठाए गए हर कदम पर नजर रखी होगी उसने, और मुझे गारंटी है कि अब तक उसने अपना हुलिया भी चेंज किया होगा। ओ यस, ऐसे हालत में तो उसे तलाश करना और भी मुश्किल हो जाएगा। नहीं मिस्टर दीवान, जब कोई भी मुजरिम कुछ समय के लिए कानून से बच निकलता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और उसी आत्मविश्वास के साथ उसका उठाया हुआ पहला कदम गलती होता है। अब हमें अपना जाल बिछा देना चाहिए। सुनिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहो। जिस होटल में आकाश गाता था उस होटल में मुझे आकाश बनकर जाना है। क्यों? क्योंकि आकाश के कातिल ये जरूर जानना चाहेंगे कि आकाश जिंदा कैसे, मेरे पे हमला कर सकते हैं, हो सकता है मेरा खून भी कर दें, और यही बात मैं चाहता हूं। क्यों चाहते हो तुम ये? ताकि आकाश के कातिलों से बदला ले सको। नहीं, तुम इसके बारे में सोचोगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके कातिलों से बदला लेने की कसम खाई है मैंने, उसके एक भी हत्यारे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। भला तुम इन दरिंदों से बदला कैसे लोगी? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं कि मुझे क्या करना है। आकाश के कातिलों से कोई और बदला ले ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या आप उन्हें जानती हैं? ठीक से तो नहीं, मगर मैं उन्हें ढूंढ लूंगी। कैसे? इससे तुम्हें क्या मतलब? प्लीज बेंगला जी, मेरी बात तो सुनिए। देखो मिस्टर, मैं एक बार पहले भी कह चुकी हूँ कि इस बारे में सोचने का तुम्हें कोई हक नहीं। हक क्यों नहीं है? क्या मतलब? ये कैसा कानून है आपका कि आप जब चाहे तब कह सकती हैं कि मेरा हक नहीं बनता? अरे क्यों नहीं बनता मेरा हक? क्या मैं पप्पू से प्यार नहीं करता? एक माँ का पागलपन देखकर क्या मुझे एहसास नहीं होता? एक मासूम की कलाई पर सफेद चूड़ियां देखकर क्या मैं पागल नहीं होता? मुझे पूरा हक है मेघना जी, अगर आप सच पूछे तो आकाश के कातिलों से बदला लेने का हक आपसे ज्यादा मेरा है, क्योंकि उसके हमशक्ल होने की वजह से मुझे इस घर में पनाह मिली है। मैं तुम्हारा मंगेतर ना सही, आकाश ना सही, लेकिन पप्पू का जीजू और माँ जी का बेटा जरूर हूं, और अगर ऐसा ही है तो आकाश मेरा भाई जरूर रहा होगा, और खत्म कर दूंगा उन कुत्तों को जिन्होंने मेरे भाई को मार डाला। एक मां से उसके बेटे को छीनने की सजा यही भुगतनी होगी। इस घर, इस चार दीवारी के लिए मुझे सब कुछ करने का हक है। हक है मेघना जी, हक है। तो हक की बात छोड़ो, मैं मानती हूं कि तुम्हें सब हक है, लेकिन 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 उनसे बदला मुझे ही लेना है। देखिए, जोश से नहीं होश से काम लीजिए मेघना जी। वो बहुत बड़े मुजरिम हो सकते हैं, चालाक हो सकते हैं, ताकतवर हो सकते हैं, आप तो औरत हैं, आपसे बदला नहीं लिया जा सकेगा। सिर्फ लोहा लोहा को काट सकता है। वक्त आने पर मैं वो भी बन सकती हूँ। देखिए, मैं आपसे एक समझौता कर सकता हूँ। कैसा समझौता? मैं आकाश के कातिलों से टकराऊंगा, उन्हें लाकर आपके कदमों में फेंक दूंगा, फिर आप अपना बदला ले सकती हैं। क्या ये जरूरी है कि तुम उन्हें मेरे कदमों में लाके डालोगे? ये भी तो हो सकता है कि तुम उन्हें मार डालो। मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं? तुम्हें माँ जी और पप्पू की कसम खाकर वादा करना होगा। मुझे मंजूर है, अब बताइए। आकाश जुहू के 5-स्टार होटल ब्लू हेवन में सिंगर थे, वहां उन्हें सब रॉकी के नाम से जानते थे। जब भी वो स्टेज पर आते चारों तरफ से एक ही आवाज आती, Thank you.
प्यार तुम्हें करते हैं ये किस तरह बताएं हम, कितना प्यार तुम्हें करते हैं ये किस तरह बताएं हम, कैसे तुम्हें यकीन आएगा किसकी कसम उठाएं हम, ओ जाने जाना ओ जाने जाना ओ जाने जाना ओ जाने जाना। तेरे बिना दिन ढलता नहीं, तेरे बिना रात कटती नहीं, हम क्या करें तेरी सूरत नजरों से हटती नहीं, तेरे बिना दिन ढलता नहीं, तेरे बिना रात कटती नहीं, हम क्या करें तेरी सूरत नजरों से हटती नहीं, यही अपनी तमन्ना है तुझे हम देखते जाएं, तेरी तस्वीर है दिल में तुझे हम कैसे दिखलाएं, तेरी तस्वीर है दिल में तुझे हम कैसे दिखलाएं, उसकी तरह उस शाम को भी आकाश होटल के लिए निकल गए थे। वैसे तो रात को एक बजे तक वो आ ही जाते थे, मगर उस रात वो नहीं आए, कोई फोन भी नहीं आया। मैंने सारी रात उनकी इंतजार में गुजार दी। सुबह जब फोन किया तो होटल के स्टाफ ने बताया कि वो तो रात को 11 बजे ही चले गए थे। फिर अब मेरी चिंता और बढ़ गई। पर उसी समय एक इंस्पेक्टर दो हवलदारों के साथ यहां आया। उसने मुझे पूछा क्या मिस्टर आकाश आ रहे थे। मेरे हाँ कहने पर उसने आकाश का पर्स और पर्स का सामान मुझे दिखाया। मैं घबरा गई। तभी उसने बताया कि आकाश अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिर मैं इंस्पेक्टर के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची। आकाश की लाश रेल की पटरी पर मिली थी, इसलिए उसका चेहरा काफी बिगड़ चुका था। लेकिन फिर भी मैं आकाश की लाश को पहचानने में कभी भी गलती नहीं कर सकती। उसकी पीठ पर मौजूद निशान को देखकर मुझे यकीन हो गया कि यही मेरा आकाश है। उसके बाद पता चला कि उसके होटल में एक गैंग है जिसने उसकी हत्या की। वो लोग कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, जिस दिन मेरी आंखों के सामने आ गए ना, वो दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं आकाश के रिवॉल्वर की सारी गोलियां उनके सीने में उतार दूंगी। अगर आकाश ब्लू हेवन होटल में सिंगर था तो उसके पास रिवॉल्वर कहां से आई? मेरे ख्याल से तो वो सिंगर के अलावा कुछ और भी था, कुछ ऐसा जिसमें रिवॉल्वर की जरूरत पड़ती हो। क्या मतलब है तुम्हारा? रिवॉल्वर सिर्फ दो किस्म के लोग रखते हैं, एक वो जो अपराधी होते हैं और दूसरे जो अपने आप को अपराधियों से बचाना चाहते हैं। आकाश अपराधी नहीं हो सकता। क्या आकाश ने कभी कोई ऐसी बात कही थी जिससे पता चलता उसकी जान को कोई खतरा है? नहीं, हर हत्या के पीछे कोई कारण होता है। आकाश की हत्या के पीछे क्या कारण है ये पता लगाना चाहिए। वो सब मुझे नहीं मालूम, तुम्हें और कुछ पूछना है? मैं आकाश के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहता हूँ, ताकि उसके जानने वाले ये भी ना जान सके कि मैं आकाश नहीं हूँ। जानकारी तुम्हें मिल जाएगी, मगर हमेशा याद रखना उनसे बदला मैं लूंगी, वो मेरे अपराधी हैं। Excuse me. अरे रॉकी, तुम
मुझे मैनेजर साहब से मिलना है। सर, रॉकी। रॉकी तुम? जी हाँ, गुड इवनिंग सर। इवनिंग। मगर तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? मेरे जिंदा होने पर तो मुझे भी ताजुब है सर। क्या मतलब? मतलब तो मैं खुद भी नहीं जानता। हम कुछ समझे नहीं। तुम रॉकी हो ना? जी हाँ, मैं रॉकी ही हूँ, जिसकी लाश को सबने, यहां तक कि मेरी मंगेतर ने भी मेरी लाश समझा। वो किसी और की लाश रही होगी। मगर ये सब कैसे हो सकता है? उस लाश की जेब से तुम्हारा पर्स मिला था, और अगर तुम मरे नहीं तो इतने दिन कहां थे? मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूं सर। क्यों? क्योंकि मैं अपनी याददाश्त खो बैठा। मैं कुछ समझा नहीं। मैं नहीं जानता कि मैं अपनी याददाश्त कैसे खो बैठा। एक दिन सड़क से जा रहा था, एक बच्चा मुझे देखकर जीजू जीजू कहकर बुलाने लगा और मुझे अपने घर ले गया। वहां मुझे पता चला कि उसकी बहन मेरी मंगेतर है, एक बूढ़ी मां भी है। मेरी मंगेतर ने मुझे बताया कि मैं इस होटल में गाया करता था, और सर सर मैं इस होटल में फिर गाना चाहता हूं। बड़ी अजीब कहानी है तुम्हारी। देखो रॉकी, मैंने अभी तुम्हारी जगह एक नए सिंगर को रख लिया है, लेकिन मैं बहुत जल्द तुमको बुलवा लूंगा। तुम्हारा पता है मेरे पास। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। बेटा, तुमने गिरते को सहारा दिया, भगवान तुझे सहारा दे। क्यों इधर उधर भटकते हो और जख्म खा के लौटते हो? जख्मों से मेरा पुराना नाता है और भटकता मेरी जिंदगी। एक एक्सीडेंट में मुझे ऐसे जख्म मिले जिनकी वजह से आज तक भटकता रहा। जब घर है तो क्यों भटकते हो? मेरा मतलब है मम्मी और पप्पू है ना? अच्छा, तो ये बात उसकी मंगेतर ने बताई कि उसका नाम रॉकी है और वो आपके होटल में सिंगर था। जी हाँ। वो फिर से आपके होटल में गाना चाहता है? जी। क्या वो रॉकी था? हाँ, उसकी शक्ल तो रॉकी से मिलती है। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूं कि वो रॉकी नहीं था। दीवान यादव जी, हमें अपना शिकार मिला है। उसकी और उसका फिंगरप्रिंट मेरे पास। जरा उसका पता बताओ। बैकुंठ 7 गोखले रोड, दादर। तुझे कुछ याद आया कि नहीं? अभी तक नहीं। अपन दिल्ली गए थे, दिल्ली उधर देख, उधर दिल्ली गए थे शो करने के लिए, वहां रूबी मिली थी। रूबी हो रूबी, जाने महबूब, जाने जाने दे। हाँ, अपन कलकत्ता गए थे, उधर देख, कलकत्ता में रोजी मिली थी। रोजी, रोज रोज रोजी तुमसे प्यार करता हूँ, नहीं करता हूँ। अपन गोवा गए थे, गोवा, उधर देख कौन आया, मारिया मिली थी। मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, याद आया? हाँ, मेरा गाना तो याद होगा, सारे गम प प प, सारे गम प प प प प प प प। अंकल देखो तो कौन आया। चुप है। सारे गम प प प, सारे गम प प प प। पुलिस। हेलो सिकंदर। मैं सिकंदर नहीं, मुकद्दर का राजू। सिकंदर? कौन सिकंदर? किसे बुला रहे हैं आप? आपको। लेकिन मेरा नाम सिकंदर तो नहीं। सिकंदर ना सही, जॉनी सही। ये आप सब क्या बोल रहे हैं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मेरा नाम तो आकाश और रॉकी। करेक्ट।
रॉकी। ये कौन है? सारेगामापा पार्टनर, ड्रम पार्टनर। हम इनसे बात कर रहे हैं, तुम बीच में मत बोलो। पप्पू बेटा मम्मी को चाय के लिए बोलना। अच्छा। चार बोलना है, शक्कर कम। मैं इंस्पेक्टर आंगरे, मुझे शायद तुम भूल गए, मैं मिला था तुम्हें बॉम्बे हॉस्पिटल में। पर मैं तो कभी बॉम्बे हॉस्पिटल गया ही नहीं। मेरा नाम इंस्पेक्टर दीवान है, पुणे से जब तुम बम्बई आ रहे थे तब मैं तुम्हें ट्रेन में मिला था, याद है? कमाल कर रहे हैं आप, मैंने तो कभी पुणे देखा ही नहीं। इंस्पेक्टर यादव फ्रॉम पुणे, मैं तुम्हें जेनिस के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूँ। कौन जेनिस? किसका कत्ल? अगर तुम समझ रहे होगे कि तुम हमें धोखा दे दोगे तो ये तुम्हारी भूल है, भूल। जरा इधर देखो, ये इंस्पेक्टर आंगरे की आंख है। एक बार किसी को देख लिया, दोबारा अगर वो इंसान के बदले जानवर बनकर भी आ गया तो उसे तुरंत पहचान लेती है। देखिए मेरा नाम रॉकी है, मैं अपनी मंगेतर के यहाँ रहता हूँ और उसका गवाह मेरा ये दोस्त राजू भी है। लेकिन रॉकी मर चुका है। लेकिन मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ। तो फिर वो लाश किसकी थी? वो मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन मेरे पास ऐसे सबूत है जिससे ये साबित हो जाएगा कि तुम जानी हो और सिकंदर भी हो। आकाश बेटा चाय। शायद ये मेरे फिंगरप्रिंट्स लेना चाहता है। चाय? नहीं मम्मी, मैं चाय लेता हूँ। अरे अरे तेरा हाथ। आई लाइक इट यंग मैन, आई लाइक इट। तुम बहुत चालाक हो और चालाक जानवरों से खेलना आंगरे की बहुत पुरानी आदत है। ये चालाकियों का खेल तुमने शुरू किया है, उसे खत्म मैं करूंगा। ये तो एक एक्सीडेंट था, ना जाने आप क्या कह रहे हैं। कह रहा हूँ कि कुछ दिनों के बाद आपका ये हाथ ठीक हो जाएगा, उसके ऊपर खाल भी आ जाएगी और आपके उंगलियों के निशान भी लिए जाएंगे। आखिर आप बताते क्यों नहीं कि बात क्या है? बात ये है कि तुम अपने ये हाथ काट दो, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, और फिर फांसी जाने से बेहतर है कि हाथ गवाना। मैं तुम्हारा चैलेंज कबूल करता हूं, मैं साबित करूंगा कि तुम सिकंदर हो। चलो मिस्टर आंगरे, मिस्टर आंगरे, इंस्पेक्टर आंगरे, पुणे से बंबई जिस खतरनाक मुजरिम की तलाश में हम आए, हाथ आए उस मुजरिम को आपने आसानी से छोड़ दिया, क्यों? आप क्या समझ रहे हैं? मैंने उसे जानबूझकर छोड़ दिया। ऑफ कोर्स मैं यही समझ रहा हूँ और मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। क्या सबूत है आपके पास कि सिकंदर ही वो जॉनी है जो 11 जनवरी को जेनिस के घर में था? पुणे पुलिस के पास जेनिस के घर में जगह जगह पाए गए सिकंदर के फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। क्या तुम उस फिंगरप्रिंट को इस आदमी के फिंगरप्रिंट से मैच कर सकोगे जिसके जले हुए हाथ पर फफोले पड़े हुए? इंस्पेक्टर आंगरे, इस वक्त हम फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं कर सकते थे, लेकिन उसे गिरफ्तार तो कर सकते थे। सिकंदर सेठ हैदर अली का बेटा है, बिना ठोस सबूत के हम उसे 15-20 दिन क्या 15-20 मिनट भी नहीं रोक सकते। हमारे पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले सेठ हैदर अली का वकील वहां पहुंच जाएगा और सिकंदर को छुड़ा कर ले जाएगा। इंस्पेक्टर यादव, मेरी 11 साल की सर्विस में मैंने ऐसा कोई मुजरिम गिरफ्तार नहीं किया जो अदालत से रिहा हो गया हो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं किसी भी हालत में जेनिस के कातिल को गिरफ्तार करके ही रहूंगा। ये सब झूठ है, मैंने कोई कत्ल को जुर्म नहीं किया। अगर तुमने कोई जुर्म नहीं किया तो पुलिस यहाँ क्यों आई थी? मैं बताता हूँ, मैं रॉकी बन के ब्लू हेवन होटल गया था और मुझे देखकर कई लोग हैरान हो गए, और हो सकता है उनमें से कोई रॉकी का कातिल भी हो। उन्होंने मुझ पर हमला किया, मुझे मार डालने की कोशिश की, मगर मैं बच गया। जब उन्हें पता चला कि मैं बच गया तब हो सकता है कि उन्होंने पुलिस भेजकर मुझे उल्टे सीधे केस में फंसाने की कोशिश की हो। लेकिन जरा सोचो, आज तक यहाँ पुलिस क्यों नहीं आई? मेरे ब्लू हेवन होटल जाते ही आज अचानक पुलिस क्यों चली आई? हाँ ये भी बात सही है। मेघना जी, क्या आपको लगता है कि मैं कातिल हो सकता हूँ? बेटी, मेरा दिल कहता है ये खूनी नहीं है। पुलिस का यहाँ आना और मुझ पर हमला होना ये साबित करता है कि कातिल जो कोई भी है उस होटल में जरूर था, और अब मुझे उस होटल में रॉकी बनकर जाना है। Don't fear, I'm here. मैं ले जाऊंगा, तुम्हें नचाऊंगा, गवाऊंगा, सारे गामा पा पा पा। ओ जाने जाना, ओ जाने जाना। प्यार तुम्हें करते हैं
ये किस तरह बताएं हम कितना प्यार तुम्हें करते हैं, ये किस तरह बताएं हम कैसे तुम्हें यकीन आएगा, किसकी कसम उठाएं हम। ओ जाने जाना, ओ जाने जाना, पलकों तले दिल के हुए सपने जवां, उसके बिना नींद नहीं, उसके बिना चैन कहां। उसकी हंसी पलकों तले दिल के हुए सपने जवां, उसके बिना नींद नहीं, उसके बिना चैन कहां। मोहब्बत के तराने हैं तेरी यादों की महफिल है, हसन दिलदार आ जा तू तेरे वादों की महफिल है, हसी दिलदार आ जा तू तेरे वादों की महफिल है। कितना प्यार तुम्हें करते हैं, कितना प्यार तुम्हें करते हैं, ये किस तरह बताएं हम कैसे तुम्हें यकीन आएगा, किसकी कसम उठाएं हम। ओ जाने जाना, ओ जाने जाना, ओ जाने जाना, ओ जाने जाना। चीज तुम्हारी पसली में चुभ रही है माय डियर, वो रिवॉल्वर की नाल है, और ये रिवॉल्वर असली भी है और लोडेड भी। जाओ। ये वही रिवॉल्वर है जो असली भी है और लोडेड भी। चल मुझे अपने बॉस के पास लेके चल। चल वेलकम प्रिंस, वेलकम। आइए। आई एम रियली सॉरी प्रिंस, दरअसल मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि अखबारों में जॉनी और सिकंदर की खबरें छापकर पुलिस हमें किस जाल में फंसाना चाहती है, इसलिए मैंने उस दिन आप पर हमला किया था। लेकिन आज जब आपको रॉकी के अंदाज में गाते हुए देखा तो मैं चौंक गया प्रिंस। प्रिंस? क्या मैं प्रिंस हूं? यस, हमारे बॉस, इस अड्डे के, मेरे और ड्रग्स के तमाम कारोबार के फील्ड मार्शल मिस्टर प्रिंस। अगर अपने हाथों से लगाया हुआ निशान न देख लेता ना तो आज मुझे भी यकीन नहीं होता कि आप प्रिंस हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? आपके सामने ही तो राका ने निशान निकाला, निशान लगा कि आप रॉकी थे और अब प्रिंस। मैं
प्रिंस, आज तक जो आप खेल खेलते आए वो तो पुलिस को मिसगाइड करने के लिए था, लेकिन इस बार आप एक मरे हुए रॉकी का भेष बदलकर पुलिस की बंद फाइलें क्यों खुलवा रहे? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। दरअसल मैं अपनी हताश खो बैठा हूं। क्या? ऑलराइट, रॉकी के मर्डर के बारे में तुम क्या जानते हो? उस कुत्ते को मैं ही तो आपके पास लेकर आया था। मैंने सोचा कि वो आपका हमशक्ल है, इसलिए जब कानून के हाथ आपकी तरफ बढ़े तो रॉकी को बलि बनाकर हम कानून से बच जाएंगे। इसलिए तो आपने उसकी हर आदत की नकल की, निशान बनवाया, गाना सीखा, लेकिन उस कुत्ते की नीयत बदल गई और वो आपको मारकर खुद प्रिंस बनने के सपने देखने लगा। तब आपने उसे अपने हाथों से मारा और रेलवे की पटरी पर उसकी लाश फिंकवा दी। क्या मैंने रॉकी का खून किया था? गद्दारी की सजा हमारे यहां सिर्फ मौत है, यह सुप्रीमो का ऑर्डर है। सुप्रीमो? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया कि आपकी याददाश्त चली गई। हम सबके ऊपर एक सुप्रीम पावर है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। उनका नाम है सुप्रीमो और उनकी गैंग के फील्ड मार्शल हैं आप, मिस्टर प्रिंस। क्या दिमाग चलता है आपका! पुलिस को तो आप यूं डॉज दे देते हैं, रॉकी की मन की बात 2 मिनट में जान ली थी आपने। इसका मतलब मैंने रॉकी का खून किया है। मुझे अपना वादा पूरा करना चाहिए। मैं जा रहा हूं। कहां प्रिंस? रॉकी के अकाउंट का हिसाब चुकता करने। शिकारी वो होता है डार्लिंग, जो शिकार को बच के जाने नहीं देता। अंधे शेर का शिकार करना सुप्रीमो की शान के खिलाफ है। जानती हो कहां जा रहा है जूली? अपनी मौत को आवाज देने। अगर ऐसा ना हुआ तो? तो फिर मौत उसे आवाज देगी। हेलो। आकाश के कातिल का पता चल गया है। क्या? कौन है वो? आपको उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं। तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम सिर्फ उसका पता लगाओगे और फिर उसे मेरे हवाले कर दोगे। मुझे मेरा वादा याद है मेघना। आज शाम ठीक 4 बजे हनुमान मंदिर के पीछे वाली पहाड़ी पर मुझे मिलिए। आकाश का कातिल आपको मिल जाएगा। शायद तुम मुझसे सौदे की बात करोगे। नहीं मेघना जी, जो सौदा आपके और मेरे बीच हुआ उसके अलावा और दूसरा कोई सौदा नहीं होगा। अगर तुम सौदा करने नहीं आए तो कातिल कहाँ है? इस शहर में एक गैंग है जो ड्रग्स का कारोबार करता है। रॉकी की बदकिस्मती थी जो उनसे जा टकराया और रातों रात करोड़पति बनने का सपना देखने लगा। मैं यहाँ किसी अदालत की कार्रवाई सुनने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि अपने आकाश के कातिल से बदला लेने के लिए आई हूँ। अगर तुम उसे यहाँ नहीं ला सके तो कोई बात नहीं, तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि वो कौन है और कहां रहता है, बाकी काम मैं खुद कर लूंगी। आप ये जानना नहीं चाहती कि रॉकी का कत्ल क्यों हुआ था? मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम मुझे उस दरिंदे का नाम बता रहे हो या नहीं? मेघना जी, आकाश का खून मैंने किया है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम कातिल को मेरे हाथों से बचाना चाहते हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, इन्हीं हाथों से मैंने उसका गला घोटा है। एक बूढ़ी माँ, एक मासूम बच्चा और एक महबूबा की अदालत तुम्हें मौत की सजा सुनाती है। मर गया साला। सुप्रीमो वो मारा गया। गेम खेलते हैं हम। हाँ, तुम सब कच्चे खिलाड़ी हो, वो मरा नहीं, पहुंच गया हैदर अली के घर। Cheers! ये आपके कंधे पे पट्टी कैसी है? हाँ, एक तीर से 2 शिकार करने चला था मगर हो गए 3। मैं कुछ समझा नहीं। तुमसे जानने के बाद कि मैं प्रिंस हूं, मैंने रॉकी के मंगेतर को फोन किया और उसे कहा कि मैंने रॉकी का खून किया है। उसने गुस्से में मुझ पर गोली चला दी और इसी तरह मेरे एक तीर से 2 शिकार हो गए।
एक कि मैं उसकी नजरों में हमेशा हमेशा के लिए मर चुका हूं, और दो उसकी जबान जो पुलिस के सामने खुलने वाली थी वो अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। वाह क्या बात है। और वो तीसरा शिकार जख्मी हालत में जब मैं शहर की तरफ आ रहा था तो मुझे सेठ हैदर अली मिले, जिन्होंने मुझे लिफ्ट दी, मेरी भरम पट्टी भी की, और तो और वो मुझे अपना बेटा समझने लगे। अपनी करोड़ों की जायदाद वो मेरे नाम लिखना चाहते हैं। बहुत जल्द मैं करोड़पति बनने वाला हूं। वाकई आपने तो एक तीर से तीन शिकार कर दिए। हैदर अली ने अपने वकील से कह दिया कि वसीयत तैयार कर दे। हाँ तैयार होने में एक दो दिन तो लगेंगे ही, मगर जब तक उस वसीयत पर उनके दस्तखत ना हो मुझे उन्हीं के पास रहना होगा। मैं चलता हूं। ऑल द बेस्ट। सुप्रीमो। सुप्रीमो वो आया था। हमें सब खबर है, पर इस गेम में जीत हमारी ही होगी। मैं क्या पूछ रहा हूँ, सारेगा मापा पा पा क्या 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 होता है पा, तुम अभी तक जिंदा हो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं हत्यारा होता तो आज आपके सामने खड़ा ना होता। तुम ही आकाश के कातिल हो। ठीक है, अगर आप समझती कि मैं ही आकाश का कातिल हूँ तो जाइए, जाके रिवॉल्वर ले आइए और मुझे गोली मार दीजिए। मगर यह है वो सबूत जो मेरे जीते जी नहीं तो मेरे मरने के बाद जरूर देख लेना। अगर इतना कह रहे तो देखने में क्या हर्ज है ना, देख लीजिए ना। तुमने जो कुछ देखा उसे भूल जाना, माँ और पापा को कुछ नहीं बताना। वो जैसे भी थे मेरे मंगेतर थे, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया था तो मैं उन्हें खुद उसकी सजा दिलवाती, लेकिन पाशा ने उन्हें मुझसे छीनकर मेरे साथ ही नहीं बल्कि मम्मी और पप्पू के साथ भी बहुत बड़ा न्याय किया है, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाशा तो सिर्फ एक मोहरा है, हमें तो सुप्रीमो तक पहुंचना है, उसके लिए चाहे मुझे अपना भेष ही क्यों ना बताना पड़े। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि आकाश के कातिल से बदला लेने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। We'll be right back.
आशा को खूब दिखाया तुमने तमाशा, तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, अपने आदमियों से कहो कि बंदूकें फेंक दे। बंदूकें फेंक दो। तुमने मेरे रॉकी की जान ली, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रॉकी की महबूबा, उसे तो मैंने मारा ही था, और अब तेरी बारी है। चलो डांस हो गया, फाइटिंग करेंगे। औरंगजेब कहाँ से आ गया? हर हर महादेव। इतना बाल पड़े, पैसे नहीं क्या काटने को? किधर लेके जा रहे? अरे ठेक ठेक। चला गया, आगे नहीं बढ़ने का, मेरा तो सर तोड़ दूंगा। अरे सर एक पत्थर है, ये पूरा बॉटल है, तोड़ देना अपने ही है। अबे तंजी है, गंजा घूमता है, शर्म नहीं आती? तुझे बाल चाहिए ना, उसके पीछे जा, वो दे देगा, मेरा नाम बोल देना। जा जा, बाल बाल बच गया। ऊपर दे जा गंजे को, काम मिल गया। गेम खेलते हैं हम,
अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो जीतता है, और हमने जीतना ही सीखा है। सिकंदर, हाँ मैं तुमसे ही कह रहा हूँ प्रिंस, हैदर अली ने जो तुम्हारे नाम वसीयत लिखी है वो तुम हमारे नाम कर दो। पर मैं सिकंदर के साइन कैसे कर सकता हूँ, मैं तो प्रिंस हूँ। तुम कौन हो ये हमसे ज्यादा और कौन जानेगा हैं? और सब तो उलझन में हो सकते हैं, पर हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम सिकंदर ही हो, क्योंकि इस भूल भुलैया के जन्मदाता हम ही हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, कौन हो तुम? ये हैदर अली तुम्हारा बाप, ब्लू हेवन होटल का मालिक, तुम इसके इकलौते बेटे। तुमने स्कॉटलैंड में बिजनेस मैनेजमेंट के बजाय स्कॉटलैंड यार्ड में सीखा जासूसी का कोर्स। हमारी नजर तुम्हारे बाप की दौलत पर, हम एक जासूस के बाप को सीधा लूटकर रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए हमने खेला गेम। तुम्हें रास्ते से हटाकर तुम्हारी जगह तुम्हारे हमशक्ल रॉकी को प्लॉट करने के लिए हमने भेजा पाचा को। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा, हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूं बाथरूम से सिकंदर। सिकंदर, तुमने रॉकी खून कर दिया बादशाह। रॉकी नहीं, सिकंदर को मारा है मैंने, और रॉकी आज से तुम सिकंदर कहलाओगे। नहीं, वो रॉकी मैं सिकंदर। अभी पता चल जाएगा। ये तो सचमुच रॉकी है, ये वो सबूत, ये वो सबूत जो साबित करेगा कि तुमने कत्ल किया है। सबूत तुम्हें ले जाने दूंगा तब ना। तुम वहां से भागे, मेरे आदमियों ने तुम्हारा पीछा किया, तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो गया और तुम्हारी बॉडी खाई में गिर गई। हमारे आदमियों ने गाड़ी की तलाशी ली पर उन्हें वो कसक नहीं मिला। तभी हमें खबर मिली कि तुम जिंदा हो और अस्पताल पहुंचा दिए गए हो। हम खुद अस्पताल पहुंचे पर वहां पता चला कि तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है। हमारी चिंता थोड़ी कम हुई। वहां से तुम पहुंचे हैदर अली के घर, जहां पर तुम पर नजर रखने के लिए जानते हो हमने किसको भेजा? वैसे हमारा असली नाम शोभराज। हैदर अली के घर में तुम हर बात को कुरेद कर पूछने लगे। हमें डर था कहीं तुम्हारी याददाश्त वापस ना आ जाए। हम तुम्हें वहां मार नहीं सकते थे, इसीलिए तुम्हारी कमीज में चिट बदल कर हमने तुम्हें पहुंचा दिया पूना। कसम सुई धागे की, मेरा नाम लियाकत अली नहीं है, मेरा नाम है मोहन मैकिचॉन, और मैंने धोखे से तुम्हें पहुंचा दिया चेनिस के घर। और बेचारी जेनिस हमारे इशारों पर खेलती रही, क्योंकि उसका छोटा भाई हमारे कब्जे में था। हमारे आदमियों ने जेनिस के घर पर हर चीज तुम्हारे नाम से प्लांट की, तुम पे गोली भी चलाई, लेकिन जेनिस न जाने कैसे मर गई। मुझे क्या मालूम था कि ये थी तुम्हारी गेम, मैं तो यूं ही अपना को जेनिस का कातिल समझता रहा। अब समझ आया कि जब मैं जेनिस का गला दबा रहा था तो वो अचानक क्यों गिर पड़ी। तुम्हारे आदमी जो मुझ पर निशाना लगा रहे थे वो गोली जाकर जेनिस को लगी होगी और वो मर गई। और फिर तुमने मुझ पर वार किया, लेकिन वही आग जो मुझे जला सकती थी उसकी गर्मी में मेरी बेहोशी टूटी और मैं वहां से भाग निकला। ये तुम्हारी तकदीर थी कि तुम्हें मेघना का भाई मिल गया और तुम पहुंच गए रॉकी के घर। हमें पता नहीं था कि तुम कहां हो, और एक दिन तुम पहुंचे होटल जहां पाशा ने तुम पर वार किया। तुम फिर भी बच गए, हम तुम्हें सीधा मार सकते थे, लेकिन हमने खेला गेम। तुम्हारे यहां पुलिस भेजी और तुम इतने चालाक निकले कि तुमने पुलिस को भी बेवकूफ बना दिया। उसके बाद तुम होटल ब्लू हेवन में रॉकी बनकर गाना गाने पहुंच गए। मैंने सुप्रीमो के कहने से बनाया तुम्हें प्रिंस, तुम एक नेक इंसान, वादा तोड़ नहीं सकते, पहुंच गए वहां मरने। मेघना ने तुम पर गोली चलाई,
फिर आए तुम यहाँ बाप की वसीयत लेकर। कहानी जहाँ शुरू हुई थी वही खत्म हो गई। अब तुम इस वसीयत पर दस्तखत करोगे, क्योंकि तुम ही सिकंदर हो। तुम्हें जॉनी और प्रिंस का नाम हमने ही दिया। हाँ, और बेचारा रॉकी तुम्हारा हमशक्ल पाशा के हाथों मारा गया। तुम्हें यह समझ नहीं आना कि रॉकी क्यों मारा गया था? मैं बताता हूं, क्योंकि मैंने रॉकी से दोस्ती की थी। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे यार, जिंदगी बड़ी बोर हो गई थी, फिर मिल गए तुम मेरे हमशक्ल। ये मैंने कैमरा ऑन कर दिया है, इसमें रिकॉर्ड होंगी हमारी बातें, हमारी आदतें वगैरह वगैरह। इसे देख देख कर हम एक दूसरे की तरह हो जाएंगे। तुम जाना मेरे घर और मैं जाऊंगा तुम्हारे घर, सबको बुद्ध बनाएंगे, बड़ा मजा आएगा। एक खुशखबरी सुनाऊं, मेरी याददाश्त लौट आई है और मैं भी वही खेल रहा हूं गेम। फिर भी बाजी हमारे ही हाथ में है। और एक बात बताऊं, तुम्हारी बहन का बलात्कार और कत्ल हमारा ही गेम था। उधर नहीं इधर, गेम गेम खेलते हैं हम, वहां तो हमारी इमेज है, हम यहां हैं। पहचाना सेठ जी, ये है आपका बंदा मिस्टर सक्सेना, जो सिर्फ जीतना जानता है। आपके फाइव स्टार होटल के नीचे ये बनाई है हमने अपनी हुकूमत। सिकंदर, इन पेपर्स पर साइन कर दो, वरना मैं तुम्हारे बाप को खत्म कर दूंगा। मत करना दस्तखत सिकंदर। पाशा के पांच गिनने तक अगर इसने साइन नहीं किए तो जॉन हैदर अली को उड़ा दो। वन टू थ्री फोर। गेम गेम खेलते हैं हम, और तुम नकली सुप्रीमो हमसे ही गेम खेलते हो। कौन कौन हो तुम? मेरी शक्ल किसी ने नहीं देखी, उसका फायदा उठा रहे हो। सुप्रीमो, एक मैनेजर की औकात सुप्रीमो बनने की? मैनेजर नहीं, एक खिलाड़ी। एक खिलाड़ी ही सुप्रीमो बन सकता है। मुझे मजा आता है गेम खेलने में। याद है वो बैंक के माहिम ब्रांच की डकैती? मेरा ही गेम था और उस पे फंसा एक मैनेजर। ड्रग्स के धंधे मैं करता हूँ, नंबर दो के धंधे मैं करता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे ही टेन में मुझे झूठा कहते हो? जॉन शूट हिम। उधर नहीं इधर। तुमसे अच्छी गेम खेलते हैं हम। वहां मेरी इमेज थी, यहां मैं हूं इंस्पेक्टर आंगरे। तुम समझते रहे कि मैं सिकंदर का पीछा कर रहा हूं, और सिकंदर का पीछा करने के बहाने मैं पहुंच गया तुम तक। तुम खेलते हो अगर गेम, तो हम भी कोई कम नहीं। तुम्हारा सारा पावर हमने खत्म कर दिया है, और इस डेन को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। तुम्हारा सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैंने फेल कर दिया है। चाहो तो अपने बटन पर लगे हुए रिमोट कंट्रोल को दबाकर चेक कर सकते हो। और अभी अभी तुमने जो जुर्म कबूल किए, वो सारे मैंने टेप किए हुए हैं। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। सारेगा वो पा 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 पाशा का पलट गया पासा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। तुम्हारी वजह से मैं अपनी याददाश्त को बैठा। ना मैं हंस सकता था, ना मैं रो सकता था। अपने ही घर से बेघर हो गया, नाम से अनाम हो गया। मैं तुझे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। कानून को हाथ में मत लो, इसकी सजा कानून ही इसे देगा। अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो अपनी हार कबूल कर लेता है। चलो चलो, चलो।
करते हैं ये किस तरह बताएं हम।